राजू बिष्टा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने हर बड़े असंभव काम को संभव करके दिखाया है, चाहे वो धारा 370 का हटना हो, चाहे बोडोलैंड मुद्दे का समाधान या नॉर्थ ईस्ट में तेजी से हो रही विकास। सर, इन बदलावों से हमारे क्षेत्र के लोग, जो दार्जिलिंग तराई डूवर्स के जो लोग हैं, उनकी उम्मीद भी जगी है कि गोरखालैंड से संबंधित जो मुद्दा है उसका समाधान भी जल्द हो जाएगा। गोरखालैंड राज्य या गोरखा प्रदेश की मांग दार्जिलिंग हिल्स तराई डूवर्स के लोगों के लंबे समय से चली आ रही है, एक संवैधानिक मांग है। अतीत में दो बार 1988 में और 2011 में सरकार ने DGHC और GTA जैसे ऑटोनोमस बॉडी का प्रयोग करके कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह विफल रही। इस क्षेत्र की जनता की मांग और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को देखते हुए हमारी पार्टी ने 2019 में संकल्प पत्र में स्थायी राजनीतिक समाधान खोजने की संकल्प भी लिया है। स्थायी राजनीतिक समाधान से न केवल चिकन नेक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति होगी, सर एक दस सेकेंड, बल्कि इससे 1.5 करोड़ भारतीय गोरखाओं की आइडेंटिटी, भाषा और संस्कृति की संरक्षण भी होगी और उनका सपना पूरा होगा। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे का समाधान जल्द से जल्द हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय गोरखा।